हेलो एवरीवन, सीएसटी पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम करने जा रहे हैं यूपी टीजीटी कॉमर्स 2000 पेपर का पार्ट टू। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो फ्रेंड्स, लास्ट सेशन में हमने 50 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। रिमेनिंग क्वेश्चन आज के सेशन में हम कंप्लीट कर देंगे, यानी कि पूरा का पूरा पेपर क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे आज की डेट में डिस्कस करके। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 51। कैश डिस्काउंट अलाउड टू अ डेटर शुड बी क्रेडिटेड टू। कैश डिस्काउंट अलाउड टू अ डेटर, उसको क्या करेंगे? कैश डिस्काउंट आपने डेटर को अलाउड किया है, क्या एंट्री होगी? कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, ये होगी एंट्री। आपसे पूछा किसको क्रेडिट करेंगे? कैश डिस्काउंट अलाउड टू डेटर शुड बी क्रेडिटेड टू कस्टमर अकाउंट, यानी कि क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। इन द केस ऑफ हायर परचेज एसेट अकाउंट इज डेबिटेड विद। हायर परचेज हो या कैश परचेज हो, एसेट अकाउंट में हमेशा क्या दिखाते हैं हम? कैश प्राइस। क्योंकि हायर परचेज एक फैसिलिटी है जिससे आप इंस्टॉलमेंट में चीजों को परचेज कर सकते हो, लेकिन उससे एसेट की वैल्यू इंक्रीज नहीं होगी। क्लियर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट अ पॉइंट ऑन अ स्ट्रेट लाइन डिमांड लाइन इज। आपको बोल रहा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट द मिड पॉइंट। अगर हम एक लाइन के ऊपर या डिमांड कर्व, स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व के ऊपर इलास्टिसिटी कैलकुलेट करते हैं, तो एक्स एक्सिस पे इलास्टिसिटी क्या होती है? ईपी इज इक्वल टू जीरो। देन उसके बाद ईपी इज इक्वल टू लेस देन वन। मिड में ईपी इज इक्वल टू वन, देन उससे ऊपर ईपी इज ग्रेटर देन वन, और वाई एक्सिस पे क्या होती है? इन्फिनेटिव। आपको मिड पॉइंट पे पूछिए, मिड पॉइंट पे क्या होगी? इक्वल टू वन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। द इफेक्ट ऑफ सरेंडर ऑफ शेयर इज सेम एज ऑफ शेयर। शेयर को सरेंडर करने का इफेक्ट वही होगा जो किसका होता है? फोर फीचर का। क्योंकि फोर फीचर में जब्त कर लिए जाते हैं, सरेंडर में अपनी मर्जी से ड्रॉप कर देता है होल्डर। क्वेश्चन नंबर 55। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ मनी इन नॉर्मल सेंस इंक्लूड। अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करते हैं तो उसमें क्या इंक्लूड होता है? करेंसी एंड डिमांड डिपॉजिट, यानी कि वो करेंसी जो कि सर्कुलेशन में है उसको कंसीडर करते हैं, और डिमांड डिपॉजिट यानी कि जनरल पीपल का वो पैसा जो बैंक में डिपॉजिट है और जिसे वो जब चाहे विड्रॉ कर सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? ट्रेडिशनल अप्रोच। ये अगर हम मनी के डेफिनेशन की बात करें तो M1 भी होता है, M1, M2, M3 इस तरह से मनी की वैल्यू होती है। तो ये किसमें होता है? M1 में, जो गवर्नमेंट के पास होल्डिंग है, रिजर्व बैंक के पास होल्डिंग है, या कैश है, या लिक्विडिटी है, या करेंसी है, उसको इसमें कंसीडर नहीं करते। कॉइन या रुपीस के फॉर्म में, नोट के फॉर्म में करेंसी जो सर्कुलेशन में है, प्लस जो डिमांड डिपॉजिट बैंक के पास है। डिमांड डिपॉजिट ध्यान रखना, टाइम डिपॉजिट नहीं बोल रही हूँ मैं। टाइम डिपॉजिट क्या है? फिक्स टाइम के लिए FD टाइप। यहाँ पे डिमांड डिपॉजिट है, यानी कि जब चाहे कस्टमर उसको विड्रॉ कर सकता है। तो ये क्या थी? ट्रेडिशनल अप्रोच। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। ए न्यू पार्टनर ब्रिंग इन कैश एज हिज शेयर ऑफ गुडविल, दिस अमाउंट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर। अगर एक न्यू पार्टनर अपने शेयर गुडविल का कैश लेके आया है, तो उसको ओल्ड पार्टनर किसमें डिवाइड कर देते हैं? सेक्रीफाइस रेशियो में। सेक्रीफाइस रेशियो क्या होता है? सेक्रीफाइस रेशियो क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। क्लियर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। जनरल रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ ऑफिस वर्क आर स्पेसिफाइड इन। ऑफिस के वर्क को परफॉर्म करने के रूल्स एंड रेगुलेशन किसमें होते हैं? ऑफिस मैनुअल में। क्वेश्चन नंबर 58। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। इनमें से कौन सा प्रोडक्शन फंक्शन का एट्रीब्यूट नहीं है? प्रोडक्शन फंक्शन फ्लो है, एट्रीब्यूट है।
स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन फंक्शन में यूज होती है, क्वांटिटी ऑफ इनपुट्स, स्टेट ऑफ इनपुट्स, इनपुट्स क्या क्या लगे हुए हैं ये तो पता होता है, लेकिन उसकी कितनी क्वांटिटी लगी है ये प्रोडक्शन फंक्शन से नहीं पता चलता। तो ऑप्शन नंबर सी इज नॉट द एट्रीब्यूट ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 59, द रिटर्न ऑफ गुड्स बाय अ कस्टमर इज डेबिटेड टू, कस्टमर ने गुड्स रिटर्न किए हैं तो उसको क्या डेबिट करेंगे, क्या एंट्री होती है इसकी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स अकाउंट, तो किसको डेबिट करेंगे, डेबिट करेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट को, और क्रेडिट किसे करेंगे, कस्टमर अकाउंट को। क्वेश्चन नंबर 60, इन केस ऑफ इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय द सेलर इज क्रेडिटेड टू, इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट सिस्टम में टोटल इंटरेस्ट को कहां भेज देते हैं, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में, यानी कि जब एंट्री होती है इंटरेस्ट की तो उसको इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में सारी की सारी अमाउंट को क्या कर दिया जाता है, डेबिट कर दिया जाता है, फिर हर साल जो इंटरेस्ट ड्यू होके पेड हो जाता है वो उसमें से राइट ऑफ करते जाते हैं, और जब इंस्टॉलमेंट खत्म हो जाती है तो उसका बैलेंस क्या हो जाता है, नील। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, चार्टर्ड पार्टी इज यूज, चार्टर्ड पार्टी किसमें यूज किया जाता है, एक्सपोर्ट में, शिप को हायर करने के लिए, उसमें जो कंटेनर है उसको हायर करने के लिए क्या यूज करते हैं, चार्टर पार्टी। क्वेश्चन नंबर 62, विच स्टेटमेंट इज फॉल्स विद रेफरेंस टू डेडलॉक, डेडलॉक क्या होता है बैंक के लिए, डेडलॉक उसकी वो आइटम सारी होते हैं जो कुछ रिटर्न लेके नहीं आते हैं, कुछ रिटर्न मतलब वो रिटर्न वापस के लिए थे ही नहीं, जो कोई प्रॉफिट नहीं लेके आते, फर्नीचर एंड बिल्डिंग है उसकी, दीज आर यूज टू इंक्रीज रेपुटेशन, ये रेपुटेशन मेंटेन रखने के लिए खर्चा करना पड़ता है, उसने कहा नोट फॉल्स बताना है, तो फॉल्स क्या होगा, दीज आर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट डेडलॉक नहीं है, ये डाउटफुल डेब्ट्स होती है, जो बैंक की नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है वो ऐसे लोन है जिनके ऊपर 90 डेज तक ना तो प्रिंसिपल मिला है ना इंटरेस्ट मिला है, अगर 90 डेज तक किसी बोरोइंग पे ना तो प्रिंसिपल मिलता है ना इंटरेस्ट मिलता है तो वो एनपीए में आ जाता है। एनपीए को फर्दर तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है सब स्टैंडर्ड एसेट, दूसरा होता है डाउटफुल एसेट, और तीसरा आपका हो जाता है लॉस एसेट। अगर जो ये जो 90 डेज से हमने एनपीए में उसे कन्वर्ट किया तो ये जो प्रॉब्लम है ये 90 डेज से लेस देन 12 मंथ तक, 90 डेज से लेस देन 12 मंथ तक ये सिचुएशन बनी रहती है तो वो क्या है, सब स्टैंडर्ड एसेट। अगर कोई बोरोइंग 12 मंथ से मोर एनपीए बना रहता है, यानी कि उसको ना प्रिंसिपल मिल रहा है ना ही उसका क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, कम्स अंडर डाउटफुल एसेट, और उसके बाद जब कंफर्मली हो जाता है कि भैया बंदा जो है दिवालिया हो गया है, इंसॉल्वेंट हो गया है, वो पेमेंट करेगा ही नहीं, तो क्या बन जाती है, लॉस एसेट। ठीक है, तो ये थोड़ी सी जनरल इन्फॉर्मेशन थी, बाकी इसकी डिटेल में बहुत कुछ है, बट एटलीस्ट इतना आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब ये क्वेश्चन आए तो और तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 63, वन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड इज, इंडियन फॉरेन ट्रेड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, अनफेवरेबल टर्म्स ऑफ ट्रेड, क्योंकि फ्लक्चुएशन की वजह से जो मार्केट में रुपीज और डॉलर का फ्लक्चुएशन है, हमें अपने एक्सपोर्ट का उतना प्राइस नहीं मिल पाता है जितना हम इम्पोर्ट के लिए पे कर देते हैं, तो हमारी जो कंडीशन है वो क्या हो जाती है, अनफेवरेबल टर्म्स ऑफ ट्रेड। क्वेश्चन नंबर 64, 1991 क्राइसिस इन इंडियन इकोनॉमी वाज ओरिजिनेट फ्रॉम, 1991 का क्राइसिस किस वजह से हुआ था, एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से। देखिए 1991 में गल्फ वॉर शुरू हुई थी जिसकी वजह से प्राइस जो है ऑयल का इंक्रीज हो गया था, उसकी वजह से जो है जो फॉरेक्स रिजर्व थे इंडिया के वो डिप्लीट हो गए, जो सब्सटेंशियल बोरिंग थी IMF से वो भी बढ़ गई, और उसके अलावा जो गवर्नमेंट का डेफिसिट था वो भी इंक्रीज हो गया, लेकिन उसके पीछे रीजन क्या रहा, एक्सटर्नल फैक्टर यानी कि गल्फ वॉर, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ा, क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ने की वजह से बाकी चीजों का भी प्राइस अप होता गया, इन्फ्लेशन की सिचुएशन ज्यादा हो गई।
बाकी बहुत सारे इसके पीछे डिस्क्रिप्शन है, बट यू हैव टू एटलीस्ट अवेयर अबाउट इट. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ हावथोर्न एक्सपेरिमेंट. हावथोर्न एक्सपेरिमेंट किसने किया था? एल्टन मायो ने. एल्टन मायो ने हावथोर्न एक्सपेरिमेंट करके क्या बताया था? उन्होंने किया था ह्यूमन रिलेशन अप्रोच. ह्यूमन रिलेशन अप्रोच उन्होंने ये चीज प्रूव की थी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ह्यूमन रिलेशन भी बहुत जरूरी है, यानी कि जो इंडिविजुअल और ग्रुप के बीच का रिलेशन है वो भी बहुत जरूरी है. क्योंकि एफ डब्ल्यू टेलर ने जो है वर्कर के वर्क के ऊपर फोकस किया था, एडमिनिस्ट्रेटिव और ब्यूरोक्रेसिस्ट ने मैनेजर के वर्क की और एक्टिविटीज के ऊपर फोकस किया. किसी ने भी जो है इंडिविजुअल ग्रुप के साथ जो उनका इंडिविजुअल ग्रुप के अंदर जो रिलेशनशिप होता है उसके ऊपर नहीं किया था. तो सबसे पहले ये काम हावथोर्न एक्सपेरिमेंट के थ्रू एल्टन मायो ने किया. इसके ह्यूमन रिलेशन अप्रोच भी कहते हैं. एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड न्यू क्लासिकल अप्रोच. जो आपकी जो एफ डब्ल्यू टेलर की अप्रोच थी साइंटिफिक अप्रोच, हेनरी फ्योल की एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच और मैक्स वेबर की ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच, ये थी क्लासिकल. उसके बाद हावथोर्न दिया है, उन्होंने जो दिया अप्रोच वो थी न्यू क्लासिकल. तो आपसे पूछ रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट के कंसर्न में कौन सा पार्ट करेक्ट नहीं है. इल्यूमिनेशन करेक्ट है, मास इंटरव्यू करेक्ट है, बैंक राइटिंग ऑब्जर्वेशन रूम सॉरी बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन रूम करेक्ट है, मास असेंबलिंग रूम दिस इज रॉन्ग. मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन. इसमें से कौन सी रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन है? रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन होती है सीवी, कोफिशिएंट ऑफ वेरियंस, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? सीवी इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100. सीवी इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100. इसका यूज हम कंसिस्टेंसी और वेरिएबिलिटी निकालने के लिए भी करते हैं. सपोज आपके पास दो ग्रुप, दो कंपनी या दो चीजों के प्राइस हैं, उनके बीच में आप कंसिस्टेंसी और रिलायबिलिटी चेक करना चाहते हैं. तो जिसका सीवी जो है, अगर किसी का सीवी मोर है उसके बेस पे जज कर रहे हो, तो जिसका सीवी मोर होगा वो मोर रिलायबल हो, वो मोर वेरिएबल होगा, यानी कि डेटा में ज्यादा वेरिएबिलिटी उसकी होगी. अगर सीवी लेस है किसी का, तो अगर किसी का सीवी लेस है तो उसकी उसकी कंसिस्टेंसी ज्यादा होगी, यानी कि नॉट मोर वेरिएबल और अनवेरिएबल, और इसको कहेंगे आप कंसिस्टेंट. ठीक है, कई बार इस पर भी क्वेश्चन आ जाता है कंसिस्टेंसी के ऊपर भी. तो अगर सीवी दो या जितने को भी कंपेयर कर रहे हो, जिसका सीवी मोर है वो मोर वेरिएबल है, जिसका सीवी लेस है वो कंसिस्टेंट है, या यू कैन से लेस वेरिएबल है. तो यहाँ पे हमसे सिंपल पूछा था रिलेटिव मेजर कौन सा है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस. विद द हेल्प ऑफ द ओजाइव्स वी एस्टिमेट. ओजाइव से क्या निकालते हैं हम? मीडियन. ये मैंने आपको बताया था. हिस्टोग्राम से क्या निकालते हैं हम? मोड. मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68. कैश विड्रॉ बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज शुड बी डेबिटेड टू. अगर प्रोप्राइटर पर्सनल यूज के लिए गुड्स अपने विड्रॉ करता है कुछ भी बिजनेस से, तो उसको कहाँ आप शो करोगे, कौन से अकाउंट में विड्रॉ करोगे? तो वो कैश विड्रॉ कर रहा है हमारी सिचुएशन में, तो दो तरह से विड्रॉ कर सकते हैं. एक तो वो जनरल विड्रॉ कर रहा है, तो उसकी एंट्री क्या होती है? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. और कई बार क्या होता है कि जो राइट प्रोप्राइटर है वो अपनी कैपिटल में से कैश विड्रॉ करता है, तो उस सिचुएशन में एंट्री हो जाती है कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. अगर कैपिटल में से विड्रॉ करेगा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, अगर जनरल विड्रॉ करेगा ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश. तो कैपिटल अकाउंट भी डेबिट हो सकता है और ड्रॉइंग्स अकाउंट भी, बी और सी इज द राइट आंसर. लेकिन अगर आपके पास दोनों ऑप्शन नहीं होते बी और सी, तो फर्स्ट यू शुड गो फॉर ड्रॉइंग्स, क्योंकि इन जनरल बाय डिफॉल्ट क्या मानते हैं हम? नॉर्मल विड्रॉ. लेकिन हमारे पास दोनों ऑप्शन है, इसलिए हमने कौन सा ऑप्शन चूज किया? डी. मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69. नियरनेस ऑफ नियर मनी डिपॉजिट. जो निकटतम मनी है, नियरनेस मनी है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? उसकी लिक्विडिटी के ऊपर. ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70. ए कैश डिस्काउंट रिसीव्ड इन इज एंटर्ड ऑन द थ्री कॉलम कैश बुक.
कैश डिस्काउंट रिसीव्ड। अगर कोई बिजनेस फॉर्म कैश बुक बना रही है उसको कैश डिस्काउंट रिसीव्ड हो रहा है, तो कैश डिस्काउंट कब रिसीव्ड होता है? पेमेंट करते हुए। भाई अगर आप पेमेंट रिसीव कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? कैश डिस्काउंट अलाउड। और अगर आप पेमेंट पे कर रहे हो यानी कि पे कर रहे हो तो कैश डिस्काउंट रिसीव्ड। क्लियर है? अगर पेमेंट रिसीव हो रही है कैश डिस्काउंट अलाउड, और पेमेंट आउटसाइडर पार्टी को की जा रही है तो पेमेंट क्या होगा? पेमेंट कैश डिस्काउंट रिसीव। तो पेमेंट में होगा, और कैश बुक की बात हो रही है तो पेमेंट साइड कहाँ होती है? क्रेडिट साइड में होती है पेमेंट, तो भाई इसका डिस्काउंट भी कहाँ जाएगा? क्रेडिट साइड में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। आपको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। सी स्टेटमेंट नंबर डी इज नॉट करेक्ट। ये कह रहा है रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज कंपल्सरी, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज वॉलेंट्री, बट इफ पार्टनरशिप इज रजिस्टर्ड देन द रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म्स गेट मोर एडवांटेज एज कम्पेयर टू अनरजिस्टर्ड। लेकिन ये कंपल्सरी नहीं है, ठीक है ना? आपने रजिस्टर कराया, यू विल गेट मोर एडवांटेज। आप किसी को ऊपर केस कर सकते हो, कोई आपके साथ फ्रॉड वगैरह करता है तो। लेकिन अगर आपने रजिस्टर नहीं करा रखा तो आप लीगल प्रोसीजर का हेल्प नहीं ले सकते इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट अराइजिंग इन योर बिजनेस। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 72, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ परफेक्ट मार्केट। इनमें से परफेक्ट मार्केट का कौन सा फीचर है? देखिए टेक्निकली मेरे अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन रॉन्ग है। इसने लिखा एंट्री बैरियर, अब ये नहीं लिखा एंट्री बैरियर होता है या नहीं होता है, इंटरडिपेंडेंस होती है या नहीं होती है। ये होना चाहिए था इंटरडिपेंडेंस ऑफ बिजनेस डिसीजन पूरा होता। एंट्री बैरियर, एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है या नहीं है, कुछ इस तरह से चीजें देनी चाहिए, क्योंकि थोड़ा डाउटफुल हो रहा है। स्टिल इसमें से अगर आपको चूज करना है तो आप क्या चूज करेंगे? परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर में एब्सेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट होती है। उसमें सेलिंग कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या रहती है, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट नील मान के चलते हम। तो 72 में परफेक्ट मार्केट में क्या होगा? एब्सेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट। इसमें फ्री एंट्रीज एंड एग्जिट होती है। क्लियर? अगर बात करते हैं नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन की, नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन किस सिचुएशन में होता है? मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन में। इंटरडिपेंडेंस ऑफ बिजनेस डिसीजन किस में होता है? ओलिगोपोली में। क्वेश्चन नंबर 73, मैकग्रीगर हैज प्रपाउंडेड थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई बोथ। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। यू हैव टू फाइंड आउट द नॉट ट्रू स्टेटमेंट। तो यहां से कौन से स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? फर्स्ट वन इज नॉट ट्रू। द जॉब ऑफ बुक कीपिंग इज एनालिटिकल इन नेचर। द जॉब ऑफ बुक कीपिंग इज नॉट एनालिटिकल इन नेचर, दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, डिमांड फॉर फर्नीचर इज अ, फर्नीचर की डिमांड क्या है? इट इज अ कंज्यूमर डिमांड एंड ड्यूरेबल डिमांड, बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 76, आफ्टर रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर बैलेंस ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट इज ट्रांसफर टू। फॉरफिट करने के बाद जो बैलेंस बच जाता है उसे कहाँ ट्रांसफर करते हैं? कैपिटल रिजर्व में। देखिए फॉरफिटेड करने के बाद रीइश्यू किया जाता है, और जितने शेयर रीइश्यू किए जाएंगे उन्हीं का बचा हुआ बैलेंस कहाँ पे शिफ्ट किया जाएगा? कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। जो शेयर्स फॉरफिटेड किए गए अभी तक रीइश्यू नहीं किए गए उनका बैलेंस हम फॉरफीचर में ही रखेंगे, उसको कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 77, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, फॉल्स स्टेटमेंट आपको बताना है 77 में भी, तो कौन सी फॉल्स स्टेटमेंट है? ऑप्शन नंबर ए, द ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रायल बैलेंस इज टू टेस्ट द एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स। ट्रायल बैलेंस का ऑब्जेक्टिव एक्यूरेसी ऑफ बुक्स फाइंड आउट करना नहीं होता है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, मिस्टर एक्स इज मार्केटिंग मैनेजर ऑफ TCS, ही इज अ मार्केटिंग मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, ये सब कहाँ आते हैं? मिडल लेवल में। अगर डायरेक्टर है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, इस तरह के जो बंदे हैं वो कहाँ आते हैं? टॉप लेवल में। और फॉरमैन, सुपरवाइजर, वो कहाँ आते हैं? लोअर में। ठीक है, मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79,
मेसर्स स्टेशनरी मार्ट विल डेबिटेड द परचेज ऑफ स्टेशनरी। देखिए जब आप किसी भी स्टेशनरी या असेट की ट्रीटमेंट करेंगे, यू शुड सी कि उस पर्टिकुलर कंपनी का बिजनेस क्या है। ये स्टेशनरी बेचने वाली कंपनी है तो स्टेशनरी इसके लिए क्या है, गुड्स है, तो वो क्या करेगा, मेसर्स स्टेशनरी मार्ट विल डेबिट द परचेज ऑफ स्टेशनरी टू, उसके लिए स्टेशनरी गुड्स है, दैट्स व्हाई वो क्या करेगा, परचेज अकाउंट को क्या करेगा, डेबिट करेगा। लेकिन अगर स्टेशनरी मार्ट ना होके कोई और कंपनी होती तो उसमें स्टेशनरी अकाउंट डेबिट होता। क्लियर है, स्टेशनरी का काम कर रही है कंपनी तो स्टेशनरी उसके लिए गुड्स है, दैट्स व्हाई परचेज अकाउंट डेबिट। अगर स्टेशनरी नहीं होती, कोई और कंपनी होती, तो वहां पे परचेज की जगह क्या आ जाता, स्टेशनरी। क्योंकि अगर कोई कंपनी किसी भी चीज में डील करती है तो उसके लिए वो चीज क्या है, गुड्स है। सपोज किसी कंपनी का वर्क है फर्नीचर सोल्ड करना, तो फर्नीचर उसके लिए गुड्स है, तो परचेज ऑफ फर्नीचर या फिर सेल ऑफ फर्नीचर, उस सिचुएशन में फर्नीचर नहीं वर्ड यूज करेगी, क्या यूज करेगी, सेल एंड परचेज। क्योंकि सेल एंड परचेज वर्ड हम किसके लिए यूज करते हैं, उन सब चीजों के लिए यूज करते हैं जो फर्म्स के लिए क्या है, गुड्स है। क्लियर है, और अगर कोई और कंपनी है वो फर्नीचर के लिए कंसर्न में है तो उसके लिए वो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और अगर वो रिसीव करती है, सोल्ड करती है, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। क्लियर है, तो अगर कोई गुड्स है तो उसके लिए आप क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िए, जल्दबाजी में नहीं रीड करिए, कि उसके अकॉर्डिंग आपको एंट्री करनी होगी। क्वेश्चन नंबर 18, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज, बुक कीपिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, कीप करेक्ट एंड कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस। क्वेश्चन नंबर 81, रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट ऑर्डिनरी इज रिपोर्टेड एज पार्ट ऑफ अर्निंग इन द पीरियड इन विच, जो आपका सामान्य उत्पादों के विक्रय से हुई आय उस अवधि के आय के स्वरूप में कैसे दिखाई जाती है। हमें तो ड्यू और रिसीव दोनों दिखाई जाती है, यानी कि हम किसके बेस पे करते हैं, द सेल इज मेड, उसमें कैश ऑर्डर चेक से कोई मतलब नहीं होता, जो भी सेल होती है उसको शो किया जाता है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक मार्केट, मोनोपोलिस्टिक मार्केट का फीचर क्या है, नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन, ऑप्शन नंबर बी। अगर कंपेरेटिवली बात करें तो सबसे ज्यादा एडवर्टाइजमेंट ओलिगोपोली में की जाती है, और ओलिगोपोली से कम एडवर्टाइजमेंट किसमें की जाती है, मोनोपोलिस्टिक में। ठीक है, परफेक्ट मार्केट में एडवर्टाइजमेंट करने की नीड नहीं होती, बिकॉज प्रोडक्ट इज होमोजीनियस। इंटरडिपेंडेंट ऑफ फर्म और इंटरडिपेंडेंस ऑफ बिजनेस डिसीजन आर हैपन इन केस ऑफ ओलिगोपोली, प्राइस कॉम्पिटिशन इज इन ऑल्सो ओलिगोपोली। क्वेश्चन नंबर 83, ब्रेक इवन एनालिसिस इज ऑल्सो नोन एज, ब्रेक इवन एनालिसिस इज ऑल्सो नोन एज कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। ब्रेक इवन पॉइंट जिसमें हम कैलकुलेट करते थे क्या होता था, फिक्स कॉस्ट अपॉन में कॉन्ट्रीब्यूशन इन टू सेल्स, रुपीज में निकालने के लिए ये हमारा आंसर आता था। इसमें आंसर किसमें आता था, रुपीज में। यूनिट में निकालना होता था तो क्या करते थे, फिक्स कॉस्ट अपॉन में कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, इससे आंसर जो आता था वो ब्रेक इवन पॉइंट आता था यूनिट्स में। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, द सिचुएशन ऑफ नो प्रॉफिट नो लॉस। क्लियर, मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरर इफेक्ट द ट्राइबैलेंस, इसमें से कौन सा ट्राइबैलेंस के एग्रीमेंट को इफेक्ट करेगा ये आपको बताना है। तो इसमें कौन सा इफेक्ट करेगा, वो है आपका फर्स्ट। कैसे, सी, ए बिल रिसीवेबल फ्रॉम पी ऑफ रुपीज 1200 वाज फाउंड एंटर्ड इन बिल्स पेबल डे बुक एज 2100। एक तो अमाउंट की गलती हो गई है, एरर ऑफ कमीशन हो गया है, दूसरी चीज अकाउंट भी गलत कर दिया है, ये बिल्स रिसीवेबल की जगह क्या कर दिया है, बिल्स पेबल डे बुक में। बाकी को आप रीड करके देखोगे तो आप देखोगे इससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। सम है 300 रिसीव फ्रॉम एस्टेट ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर वाज क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट, इंसॉल्वेंट पार्टनर से मिला है तो एंट्री होनी थी कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, लेकिन उसका अकाउंट कर दिया, सपोज मिस्टर ए से मिला है तो क्या कर दिया, कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए, तो इससे उसके एग्रीमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अमाउंट जो क्रेडिट में जानी थी वो चली गई। रुपीज 800 ओन्ड बाय अ डेटर वाज ओमिटेड टू बी इंक्लूडेड इन द शेड्यूल ऑफ डेटर, उसको शेड्यूल ऑफ डेटर में लिखना भूल गए, ओमिट हो गई, उसका भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा।
ओल्ड मशीनरी सोल्ड ऑन क्रेडिट फॉर 700 पास थ्रू सेल्स बुक। मशीनरी सोल्ड की है, कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी होनी थी, एंट्री हो गई कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो सेल्स मशीनरी की जगह सेल्स क्रेडिट हो गई, तो यहाँ पे क्या है, गलती है, लेकिन इस गलती से ट्रायल बैलेंस के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। इफ क्रेडिट साइड ऑफ अ बैंक कॉलम इज ग्रेटर देन द डेबिट साइड, अगर आप कैश बुक बना रहे हो उसमें जो है क्रेडिट साइड मोर है इस कंपेयर टू डेबिट साइड, यानी कि बैलेंस कहाँ बचेगा, बैलेंस आपका डेबिट साइड बच रहा है बैंक कॉलम में, तो ये क्या हो जाएगा, बैंक ओवर ड्राफ्ट, यानी कि आपका बैंक का क्या है, नेगेटिव बैलेंस है। सेल ऑफ फर्नीचर बाय अ फर्नीचर डीलर, ध्यान दीजिएगा, सेल ऑफ फर्नीचर बाय द फर्नीचर डीलर फॉर अ कैश इज डेबिटेड टू, फर्नीचर डीलर ने क्या किया है, सेल किया है, एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, तो यहाँ पे इसने डेबिट पूछा, डेबिट क्या हो रहा है सिचुएशन में, कैश, और क्रेडिट क्या हो रहा है, फर्नीचर नहीं आएगा, क्या आएगा, सेल्स आएगा। अगर कोई और कंपनी करती इसको तो कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, लेकिन फर्नीचर बेचने वाली कंपनी है और फर्नीचर सोल्ड आउट कर रही है तो फर्नीचर उसके लिए गुड्स है, तो वहां पे एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, वापसी सिर्फ डेबिट पूछा तो डेबिट कैश होगा और क्रेडिट क्या होगा, सेल्स होगा। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87। वैल्यू ऑफ मनी रेफर्स टू, वैल्यू ऑफ मनी को क्या कहते हैं, जनरल परचेजिंग पावर ऑफ मनी। हु इज कॉल्ड फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं, एडम स्मिथ को, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 89, शॉर्ट वर्किंग मीन्स, शॉर्ट वर्किंग क्या होता है, शॉर्ट वर्किंग मीन्स एक्सेस ऑफ मिनिमम रेंट ओवर रॉयल्टी, अगर मिनिमम रेंट रॉयल्टी से ज्यादा है तो उसको बोलते हैं शॉर्ट वर्किंग, और एक्सेस वर्किंग कब बोलते हैं, व्हेन रॉयल्टी इज मोर देन मिनिमम रेंट और मिनिमम रेंट इज लेस देन रॉयल्टी। ठीक है, लेकिन अगर मिनिमम रेंट रॉयल्टी से ज्यादा है तो उसको क्या बोलेंगे, शॉर्ट वर्किंग, रॉयल्टी का कंसेप्ट है ये। द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू इंडियन इकोनॉमी इज डिक्रीजिंग, जैसे जैसे कोई कंट्री ग्रो करती जाती है उसका जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो डिक्रीज होता जाता है और सेकेंडरी और टर्चरी सेक्टर बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे और ग्रो करेगी तो सेकेंडरी में भी कम कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, टर्चरी में ज्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 91, सेल बुक इज रिकॉर्ड ऑफ, सेल बुक इज रिकॉर्ड ऑफ, सेल बुक में क्या रिकॉर्ड करते हैं, सेल बुक में क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड करते हैं, जो कैश सेल्स है वो कैश बुक में चली जाएगी, जो क्रेडिट सेल है वो कहां चली जाएगी, सेल्स बुक में। क्वेश्चन नंबर 92, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इज नॉट रेलेवेंट फॉर वाउचिंग कैश सेल्स, इसमें से कौन सा डॉक्यूमेंट कैश सेल्स को वाउच करने के लिए नेसेसरी नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं है, वो है मंथली स्टेटमेंट सेंड टू कस्टमर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 93, द अमाउंट स्पेंड टू इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस, अगर बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज कर रहे हैं तो उसके लिए एक्सपेंडिचर जो किया जाता है वो क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि जब आप कंपनी की अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज कर रहे हो तो उसके लिए आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ेगी, अपडेटेड प्लांट एंड मशीनरी यूज करना पड़ेगा, तो इन्वेस्टमेंट क्या है आपका, कैपिटल एक्सपेंडिचर, और जो एक्सपेंडिचर आप सेल इंक्रीज करने के लिए कर रहे हो वो क्या है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर है, आपने एडवर्टाइजमेंट किया उसमें हैवी एक्सपेंडिचर किया वो क्या है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो ये चीज ध्यान रखना, कई बार कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि डेफर्ड रेवेन्यू क्यों नहीं, यहाँ पे अर्निंग कैपेसिटी की बात हो रही है, अर्निंग कैपेसिटी, अर्निंग कैपेसिटी कब बढ़ेगी, जब उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए क्या चाहिए, अपडेटेड टेक्निक चाहिए, अपडेटेड प्लांट एंड मशीनरी चाहिए, उसके लिए एक्सपेंडिचर क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्वेश्चन नंबर 94, मनी इज द पिवट अराउंड विच द इकोनॉमिक
साइंस क्लस्टर। धन एक ऐसा केंद्र बिंदु है जिसके चारों तरफ आर्थिक विज्ञान घिरा होता है। ये किसने कहा है? ये कहा है एल्फ्रेड मार्शल ने। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। इन विच मार्केट द डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक। डिमांड परफेक्टली इलास्टिक किसमें होती है? परफेक्ट कॉम्पिटिशन में। देखिए परफेक्ट कॉम्पिटिशन में डिमांड कर्व इस तरह से बनता है। यही डिमांड कर्व होता है, यही एवरेज रेवेन्यू कर्व होता है, यही मार्जिन रेवेन्यू कर्व होता है, यही प्राइस होता है, यह है क्वांटिटी और ये है यहाँ पे प्राइस और कॉस्ट रेवेन्यू। सभी पे प्राइस कॉस्ट रेवेन्यू। अब देखिए प्राइस फिक्स होने पे, कॉस्ट फिक्स होने पे भी फ्लक्चुएशन आता रहता है, इसलिए क्या बोलते हैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन में इलास्टिसिटी कैसी होती है? परफेक्ट इलास्टिक। ठीक है, मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। डेड मनी ड्राइव्स गुड मनी आउट ऑफ सर्कुलेशन। बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को बाहर निकाल देती है सर्कुलेशन से। ये किसका कंसेप्ट है, किसने प्रपाउंड किया है? थॉमस ग्रेसम। ग्रेसम लॉ के ऊपर अभी एक हम लेक्चर भी, मैं छोटा सा लेक्चर आपको बना के दूंगी क्योंकि अभी तक मैंने ऐसा बनाया नहीं है। यूपी में ही है ये, DSSSB, KVS, NVS वगैरह में ये नहीं था, तो इसके ऊपर एक लेक्चर हम बनाएंगे जिससे आपका ये कंसेप्ट अच्छे से कंप्लीट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 97। टोटल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ वन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ गुड्स इज कॉल्ड। यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम वन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड मार्जिनल यूनिट। मार्जिनल यूनिट, मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? टोटल यूटिलिटी माइनस टोटल यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम प्रीवियस यूनिट। यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम वन एक्स्ट्रा यूनिट इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। इसको डेरिवेटिव करके भी निकालते हैं, इट इज ऑल्सो द डेरिवेटिव ऑफ टोटल यूटिलिटी। क्वेश्चन नंबर 98। वाउचिंग इज कंसर्न विथ। वाउचिंग किस चीज से जुड़ा हुआ है? वाउचिंग इज कंसर्न विद वेरिफिकेशन ऑफ अथॉरिटी एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ ट्रांजेक्शन, वैलिडिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, रिकॉर्डिंग एंट्रीज एंड पोस्टिंग इन, एक्यूरेसी ऑफ रिकॉर्डिंग एंट्रीज एंड पोस्टिंग इन बुक्स। चारों की चारों चीजें क्या है? करेक्ट। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डेटा क्या होता है? प्राइमरी डेटा फर्स्ट हैंड डेटा होता है जिसे जो रिसर्चर है, जो यूजर है, वो खुद कलेक्ट करता है डिफरेंट सोर्सेज से, और ऑलरेडी किसी और का कलेक्टेड डेटा या पब्लिश डेटा यूज करना क्या होता है? सेकेंडरी डेटा। डायरेक्ट इंटरव्यू प्राइमरी डेटा है, इनडायरेक्ट इंटरव्यू प्राइमरी डेटा है, क्वेश्चनेयर के थ्रू डेटा कलेक्ट करना प्राइमरी है, नेशनल पब्लिकेशन यानी कि दूसरों के कलेक्टेड डेटा के पब्लिकेशन को यूज करना क्या है? सेकेंडरी डेटा है। तो उसने ये पूछा था कौन सा प्राइमरी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 100। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लेरिकल एरर। इनमें से कौन सा क्लेरिकल एरर नहीं है? एरर ऑफ प्रिंसिपल इज नॉट द क्लेरिकल एरर। ये नॉलेज का है। कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लेना, या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लेना, एक्सपेंसेस को एसेट ट्रीट कर लेना, इस तरह की गलती क्या होती है? एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ ओमिशन भूल की गलती, एंटर करना ही भूल गए, क्लेरिकल एरर है। एरर ऑफ कमीशन अमाउंट की गलती, लिखना था कहीं पे 110, इसको 101 लिख दिया, एरर ऑफ कमीशन। करना था ए के अकाउंट में एंट्री, कर दी बी के अकाउंट में एंट्री, एरर ऑफ कमीशन। कंपनसेटिंग एरर ऐसे एरर होते हैं जो एक एरर दूसरे एरर को क्या करता है? कंपनसेट कर देता है, यानी कि इफेक्ट को नील कर देता है। सपोज एक गलती हुई डेबिट में 100 की और प्लस 100 एक्स्ट्रा हो गया, और क्रेडिट में कहीं पे मिस्टेक होके 100 प्लस हो गया, तो डेबिट में 100 प्लस, क्रेडिट में 100 प्लस, बैलेंस हो गया। या फिर हो सकता है डेबिट में 100 प्लस हुआ था और एक किसी एंट्री में क्रेडिट में 100 क्या हो गया? माइनस हो गया, यानी कि कम अमाउंट जो है रिकॉर्ड हुई है। तो ये किस तरह के एरर है? ये है कंपनसेटिंग एरर। क्वेश्चन नंबर 101। पार्ट ऑफ कैपिटल विच कैन बी कॉल्ड अप एट अ टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी।
वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी के टाइम पे जो कैपिटल होल्ड की जाती है उसको बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। एक बार किसी एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि रिजर्व कैपिटल इज नॉट द पार्ट ऑफ, रिजर्व कैपिटल किसका पार्ट नहीं है। देखिए जो अगर हम बात करते हैं रिजर्व कैपिटल किसका पार्ट नहीं है, तो किसका पार्ट नहीं है, रिजर्व कैपिटल इज नॉट द पार्ट ऑफ अनकोल्ड कैपिटल, जो मांगा ही नहीं गया उसका पार्ट है ही नहीं रिजर्व कैपिटल, और रिजर्व कैपिटल इज नॉट द पार्ट ऑफ अनसब्सक्राइब कैपिटल, अनसब्सक्राइब कैपिटल जो कैपिटल इशू नहीं की गई अभी तक, या फिर जो अनसब्सक्राइब है, जो सब्सक्राइब लोगों ने नहीं किए है, उसका पार्ट रिजर्व कैपिटल नहीं है, बाकी सबका पार्ट होगा। लेटिन वर्ड एडियर मीन्स, एडियर का मतलब क्या होता है, टू हेयर, सुनना। ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कहीं मैंने पढ़ा था, तो वहां पे ये आपको मिल जाएगा वर्ड। बाकी आप सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करोगे तो आपको ये सारी चीजें गेट हो जाएंगी। विच इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग, इनमें से कौन सा ऑडिटिंग का ऑब्जेक्टिव नहीं है। रिकॉर्डिंग ऑफ ओरिजिनल एंट्री इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना ऑडिटिंग का ऑब्जेक्टिव नहीं है। इन ए कंपनी इंटरनल ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय, कंपनी में इंटरनल ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105। अंडर रॉयल्टी अकाउंट इफ देयर इज स्ट्राइक फॉर अ सर्टेन पीरियड देन, अगर रॉयल्टी अकाउंट में कुछ टाइम के लिए स्ट्राइक हो जाती है तो मिनिमम रेंट को प्रोपोर्शनेटली क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ये मैंने किसी लेक्चर में आपको कराया भी होगा। When subsidiary book are maintained, the entry for special discount is to customer is done. अगर subsidiary book maintain की जाती है तो जो special discount है उसकी कंट्री उसकी एंट्री कहाँ आएगी, जनरल में। देखिए जब हम subsidiary book बनाते हैं तो कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन कैश बुक में, परचेज से रिलेटेड ट्रांजेक्शन परचेज बुक में, सेल्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शन सेल्स बुक में, परचेज रिटर्न से रिलेटेड ट्रांजेक्शन परचेज रिटर्न बुक में, सेल्स रिटर्न से रिलेटेड ट्रांजेक्शन सेल्स रिटर्न बुक में, और जिसे कहीं जगह नहीं मिली वो कहाँ जाता है, जनरल प्रॉपर में। यानी कि सब्सिडी बुक क्या हो गई, कैश बुक हो गई, परचेज बुक हो गई, परचेज रिटर्न बुक हो गई, सेल्स बुक हो गई, सेल्स रिटर्न बुक हो गई, इनका डेटा इनमें आ जाएगा, और जो कहीं नहीं आया वो कहाँ आ गया, जनरल प्रॉपर में, और यू कैन से जनरल। क्लियर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107। A scheme of work to be done by the auditor is called, वो स्कीम जो ऑडिटर काम करता है उसके लिए जो स्कीम बनाता है उसे क्या कहते हैं, ऑडिट प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 108। द मिडल वैल्यू ऑफ एन ऑर्डिनरी एरे ऑफ नंबर इज, मिडल वैल्यू और पोजिशनल वैल्यू क्या होता है, मीडियन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 109। द सरप्लस और डेफिसिट डिवाइडेड बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रेफर टू, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कहाँ बनाया जाता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का जो सरप्लस एंड डेफिसिट है वो कहाँ जाता है, कैपिटल फंड में, क्योंकि इसमें बिजनेस तो है नहीं, एनपीओ है, तो कोई कैपिटल तो है नहीं, तो क्या होता है, कैपिटल फंड। क्वेश्चन नंबर 110। मैनेजमेंट इज द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव लीडरशिप एवरीवेयर, दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय, प्रबंधन हर जगह अधिशासी नेतृत्व का कार्य है, ये डेफिनेशन किसने दी है, आरसी डेविस ने। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 111। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरर डू नॉट अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्राइबैलेंस, ट्राइबैलेंस में भर भर के क्वेश्चन आए हुए, इनमें से कौन सा ट्रांजेक्शन ट्राई बैलेंस के एग्रीमेंट को इंपैक्ट नहीं करेगा, तो वो ट्रांजेक्शन है रिकॉर्डिंग ऑफ एसेट्स एज एक्सपेंसेस। देखिए एसेट का बैलेंस भी डेबिट होता है, एक्सपेंसेस का भी डेबिट होता है, अगर एसेट को एक्सपेंसेस या एक्सपेंसेस को एसेट रिकॉर्ड कर दिया तो उससे ट्राई बैलेंस के एग्रीमेंट पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। ऑडिटर गिव्स रिपोर्ट ऑन ट्रूथनेस ऑफ अकाउंट, फेयरनेस ऑफ अकाउंट, वैलिडिटी ऑफ अकाउंट, सब चीजों को ध्यान रखता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 113। विच मीडियम इज यूजफुल फॉर, विच मीडिया इज यूजफुल फॉर
इलिटरेट कंज्यूमर, जो वही पढ़े लिखे नहीं है उनके लिए सबसे बढ़िया मीडिया क्या है, ब्रॉडकास्ट मीडिया, क्योंकि इसमें दिखाई भी देगा, सुनाई भी देगा, समझ भी आएगा कि क्या हो रहा है। 113 ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 114, द रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ इनपुट्स ऑफ प्रोडक्शन सर्विसेज एंड द रेट ऑफ आउटपुट इज नोन एज प्रोडक्शन फंक्शन। इनपुट एंड आउटपुट का रिलेशन कौन दिखाता है? प्रोडक्शन फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 115, इन ए क्वेश्चनेयर हाउ मेनी आंसर शुड बी देयर फॉर सिंपल अल्टरनेटिव। सिंपल अल्टरनेटिव क्वेश्चन है, उसमें कितने आंसर होंगे? उसमें दो ही आंसर होंगे, या तो यस और नो होगा या फिर ट्रू एंड फॉल्स होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 116, द पर्सन हु साइन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी आर कॉल्ड, जो कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन साइन करते हैं उनको बोलते हैं सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 117, लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट, लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। तो इसका आंसर क्या होगा? बी, देयर इज ऑलवेज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। क्वेश्चन नंबर 118, मनी इज व्हाट मनी डज, हु सेड दिस। मुद्रा वह है जो मुद्रा का काम करती है, किसने कहा है? वॉकर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 119, द पर्पस ऑफ लेजर इज टू, लेजर का क्या पर्पस है बनाने का? क्लासिफाइंग द ट्रांजेक्शंस, ग्रुपिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस, फाइंड बैलेंसेस इन ईच अकाउंट, तीनों के तीनों काम किए जाते हैं लेजर में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120, द अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शुड बी, अगर अनफेवरेबल बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस का, यानी कि क्या है? लॉस है। अनफेवरेबल बैलेंस का मतलब क्या है? लॉस हो रहा है, तो उसे कहां ले जाएंगे? उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से, कैपिटल में से। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 121, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी वाज प्रोपगेटेड बाय, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी किसने दिया है? एच एस गोसन ने। देखिए, बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन है कि ये जो लॉ है ये अल्फ्रेड मार्शल ने दिया है। अगर आप डेफ में पढ़ोगे, पहले जब मैंने कॉमर्स किया था तो मैं भी अल्फ्रेड मार्शल ही समझती थी, जब मैंने एमए इकोनॉमिक्स में डिटेल में इकोनॉमिक्स पढ़ा तो मैंने देखा कि सबसे पहले जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी है किसने प्रपाउंड किया? ये किया आपका एच एच गोसेन ने। और इसको फेमस किसने किया? इसको फेमस किया मार्शल ने। मार्शल ने इसको नाम दिया है और मार्शल ने ही इसको फेमस किया है। तो अगर आपको इसमें से चूज करना हो तो आपको चूज करना पड़ेगा एच एस गोसेन। अगर क्वेश्चन आता है लॉ ऑफ यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, तो उसके लिए राइट आंसर होगा अल्फ्रेड मार्शल। अगर आता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी तो उसके लिए आता है एच एस गोसेन। इसे एच एस गोसेन का फर्स्ट लॉ भी कहते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ गोसेन भी कहते हैं। और जो एक लॉ था इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, इसको गोसेन का सेकेंड लॉ कहते हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज फर्स्ट लॉ ऑफ गोसेन एंड इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी इज सेकेंड लॉ ऑफ गोसेन, जिसमें हम यूं करते थे कि दो प्रोडक्ट है उसके लिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए अपॉन प्राइस ऑफ ए इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बी अपॉन प्राइस ऑफ बी इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ये था इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी वाला लॉ। तो ये गोसेन का सेकेंड लॉ है और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? फर्स्ट लॉ। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि सब लोग इसको अल्फ्रेड मार्शल ही समझते हैं। इवन मैं भी पीजी तक अल्फ्रेड मार्शल ही समझती थी, लेकिन एमए इकोनॉमिक्स किया, जब डिटेल में इकोनॉमिक्स पढ़ा तो वहां पे पता चला कि ये गोसेन के लॉ है। ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन आता है फेमस किसने किया, ये नाम किसने दिया इसको, तो वो कौन थे? अल्फ्रेड मार्शल। क्वेश्चन नंबर 122, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म द बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स इज ट्रांसफर टू। अगर डिसोल्यूशन होता है तो सारी की सारी एसेट्स एक्सेप्ट कैश,
रियलाइजेशन के कहां ट्रांसफर कर देते हैं, डेबिट में। सारे की सारी लाइबिलिटीज एक्सेप्ट जनरल रिजर्व, पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट बैलेंस एंड वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इनको ट्रांसफर नहीं करते, इनको तो बिल्कुल भी नहीं करते। वर्कमैन कंपनसेशन फंड के कंसर्न में क्या है, रूल है, अगर कंपनसेशन अराइज होती है, सपोज वर्कमैन कंपनसेशन फंड है 10,000 का और वर्कमैन कंपनसेशन की लाइबिलिटी अराइज होती है 6,000, तो ये 6,000 रियलाइजेशन में चला जाएगा, रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड, और जो बचा हुआ 4,000 है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो सारे की सारी सारी चीजें, सारे रिजर्व एक्सेप्ट जनरल रिजर्व एंड प्रोविजन, जनरल रिजर्व वाले, अगर जनरल रिजर्व एंड प्रोविजन साथ में लिखा है तो फिर नहीं करना उसको, अदरवाइज सारे प्रोविजन, सारे जितने भी आपके पास फंड है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हो या कुछ भी हो, सारे के सारे ट्रांसफर हो जाएंगे रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में। उसके अलावा अगर वर्कमैन कंपनसेशन फंड है तो जितनी लाइबिलिटी अराइज होती है इसकी, वो हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में, और जो बैलेंस बच जाएगा वो पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। क्लियर? तो यहाँ पे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स की बात हो रही है, तो कहाँ चला जाएगा वो, रियलाइजेशन अकाउंट में। क्वेश्चन नंबर 123, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग, इनमें से कौन सा ऑडिटिंग का ऑब्जेक्टिव नहीं है, पनिशमेंट फॉर फ्रॉड इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग, भाई उसको फ्रॉड फाइंड आउट करना उसका काम है, उसको पनिश करना ऑडिटर का काम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 124, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम देन मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो, इस तरह से होता है, ये होता है टोटल यूटिलिटी और यहाँ पे ऐसे होता है मार्जिनल यूटिलिटी, ये मैक्सिमम होता है जब ये क्या होती है जीरो, मार्जिनल यूटिलिटी इज पॉजिटिव, टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस, मार्जिनल यूटिलिटी जीरो, टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम, मार्जिनल यूटिलिटी निगेटिव, टोटल यूटिलिटी स्टार्ट डिक्लाइनिंग। ठीक है, ये रफ एंड है, मतलब यहाँ से ऐसे यहीं से डाउन हो जाएगा, कर्व इस टाइप से होता है। क्वेश्चन नंबर 125, इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ मॉडर्न ऑफिस, मॉडर्न ऑफिस का क्या फंक्शन है, रिसीविंग इन्फॉर्मेशन, गिविंग इन्फॉर्मेशन, पब्लिक रिलेशन, चारों के चारों क्या है, फंक्शन है। तो दोस्तों ये थे TGT 2019 के 125 क्वेश्चन, इसी के साथ ये पेपर हमारा खत्म हो गया है। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।